सीवर जिले में बिजली विभाग बिल बकाया वसूलने के लिए दिन प्रतिदिन पूरी एक्शन में है। जहां एक तरफ बिजली बिल वसूलने के लिए अभियान तेज की गई है, वहीं दूसरी ओर बकाया बिल वाले का भी कनेक्शन काटने एवं चोरी करने वाले लोगों पर भी दिन प्रतिदिन प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं। प्रतिदिन प्राथमिकी दर्जनों में दर्ज हो रही है। विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता सरवन कुमार ठाकुर ने बताया कि जिले में करीब 638 उपभोक्ता का बिजली काटा गया है, वहीं 25 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। ऐसे लोगों पर केस दर्ज किया गया है जो लोग बिजली कनेक्शन कटने के बाद भी बिजली उपयोग कर रहे थे। पिछले महीने 1300 लोगों का बिजली काटा था, जिसमें 70% लोगों ने बिजली बिल जमा किया है, बाकी 30% लोग अभी भी बिजली बिल जमा नहीं कर पा रहे हैं। जिलों में दिन प्रतिदिन FIR हो रहा है। जिले में 1.5 करोड़ रेवेन्यू था, जो बढ़कर 4 करोड़ पहुंच गया है। सरकार का लक्ष्य सीवर जिले में कम से कम 8 करोड़ है। श्रवण कुमार ठाकुर ने बताया कि हम प्रतिदिन 10 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यालय में रहते हैं। किसी भी वक्त कोई समस्या हो वह बेझिझक हमारे कार्यालय में आए, मैं उसका ऑन द स्पॉट निराकरण करता हूँ। बिजली के रेवेन्यू को लेकर कल हमारी मीटिंग DM एवं SP साहब के साथ होगी, जिसमें जिले के सभी थानेदार एवं हमारे विभागीय अभियंता मौजूद होंगे। मीटिंग के बाद जिले के 38,000 वैसे उपभोक्ता जो अप्रैल 2021 से आज तक का विद्युत बिल जमा नहीं किए हैं, उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। BNP न्यूज के लिए सीवर से संवाददाता नवीन पांडे की रिपोर्ट। मैं सर, बिजली के लिए जो बिल वसूली है उसके लिए आपका बहुत तेजी से वसूली किया जा रहा है, अभी तक कितने उपभोक्ता का आपने जो है विद्युत विच्छेद किया है? देखिए, जिले में अगर देखिएगा तो इस महीना 650 का लाइन काटा गया है अभी तक। मतलब अगर आप देखिएगा तो 15 तारीख तक का डेटा है जो 632 या 38 के आसपास है, उन लोगों का लाइन काटा गया है। 25 लोगों पे बिजली चोरी का केस दर्ज किया गया। वो 25 लोग ऐसे लोग हैं जो बिजली का कनेक्शन कटने के बाद बिना बिजली बिल जमा कराए बिजली का उपयोग करने लग गए थे, वही लोग हैं। अगर आप देखिएगा तो पिछला 3 महीना में लगभग 1200-1300 लोगों का लाइन कटा है, उसमें से 70% लोग बिजली बिल जमा करके अपना लाइन जोड़ रहे हैं, लेकिन 30% लोग अभी भी हैं जो बिना बिजली बिल जमा कराए हुए बिजली का अवैध ढंग से उपयोग कहीं ना कहीं वो कर रहे हैं, दिन में कर रहे हैं चाहे रात में कर रहे हैं। और इधर जो 150-200 जो प्राथमिकी दर्ज हुई है उन्हीं अभियुक्तों पे हुई है। देख सकते हैं वो सुविधा ऐप है, सुविधा ऐप में जो है अपना मीटर नंबर भी डालेंगे तो उनको बिल दिख जाएगा, कंज्यूमर नंबर भी डाल देंगे तो उनको बिल दिख जाएगा। किन्हीं से, अब तो सब कुछ मोबाइल का समय आ गया है, कंप्यूटर का समय आ गया है, हार्ड कॉपी का तो अब जरूरत ही नहीं है। सर, ग्रामीण स्तर पर लोगों का कहना है घर हो या जल नल का योजना हो, उसमें अधिकांश में सर आपके विभाग से मीटर अभी तक नहीं लगाया गया है, इसके चलते आपके बिल लंबित रह जाते हैं। ग्रामीणों का कहना है इस पर सर बताएं। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। जो मीटर होता क्या है, जैसा हम जो देखे हैं सर्वे किए हैं, मीटर लगना जरूरी है ये लोग नहीं समझ रहे थे, और ये दुर्भाग्य था बिजली विभाग का और हमारे लाइन स्टाफ का। इवन हमारे लाइन के स्टाफ लोग भी ये चीज़ नहीं जानते थे जो मीटर लगना कितना जरूरी है। ये 2012 में ही BERC का एक रेगुलेशन आया था, बिहार स्टेट रेगुलेटरी कमेटी जो है, जो कि बिजली का रेट तय करता है, उसी समय ये आया था जो बिना मीटर का कोई भी बिजली कनेक्शन नहीं होगा। तो ये चीज संजोग ऐसा था जो सीवर में किसी को पता ही नहीं था। वो समझते थे जो मेरा बिल आ रहा है मतलब हम बोनाफाइड कंज्यूमर है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आप बिजली के कनेक्शन लिए हुए हैं तो मीटर होना ही चाहिए, और मीटर अगर नहीं है और बिना बिल जमा कराए बिजली का उपयोग करते हैं, उस पर तो दिन प्रतिदिन सर आपका FIR हो रहा है, उसमें कुछ लोग आपके जेल भी गए हैं। हाँ, उस सब के यहाँ से कुछ रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है या नहीं?
बिल्कुल हुआ है। जो आपको बता दें, जो कल जो है जिलाधिकारी महोदय जो है स्पेशल बिजली का एक बैठक रखे हैं, जिसमें जिले के जितने भी थाना प्रभारी है वो भी रहेंगे, और हम अपने एंड से मेरे जितने भी कनीय विद्युत अभियंता है, सहायक विद्युत अभियंता है, वो भी रहेंगे। और थाना वाइज उनसे हमने यही रिक्वेस्ट किया था, जो